नमस्ते एंड वेलकम टू कैंपस वाला. आई एम साक्षी जैन एंड टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप बीबीए कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर सेंट्रल इंडिया रीजन, जिसमें मैं आपको उसके जो टॉप बीबीए कॉलेजेस हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी. बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल. तो अगर आप लोग हमें फॉलो करते हैं, आपने मेरी बीबीए वाली सीरीज देखी है, तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्यों बीबीए के लिए एक अच्छा कॉलेज लेना इम्पोर्टेंट है. इन केस अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि बीबीए जो रहता है, हम देखते हैं कि बच्चे दो तरीके से पढ़ते हैं. ये कोई ऑफिशियल इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि या तो बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक और कोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और एक दूसरा बीबीए होता है जिसमें बच्चे एक सही डिसीजन लेके एक अच्छा कॉलेज लेते हैं. एक अच्छा कॉलेज उन्हें एक मिनी बी स्कूल जैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है, जिसमें वो उसे पढ़ाई के साथ साथ काफी ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, कॉर्पोरेट एक्सपोजर और साइड ट्रेनिंग्स करवाता है, जिसके कारण बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसकी दूसरी स्किल्स भी जो है वो पॉलिश होती जाती है. ऐसे में बच्चे की जो एमबीए और बीबीए, मतलब बीबीए की जो डिग्री रहती है, वो कई बार उसकी स्किल्स के कारण वो एट पार विद एमबीए हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को काफी अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं और उनको अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, जो शायद आपको एक एमबीए डिग्री कंप्लीट करने पर मिलते होंगे. तो चलिए मैं आज आपको उन अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगी. बट वो लिस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि ये लिस्ट में जो कॉलेजेस दिए हैं इनकी ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है, इन्हें एक सीरियल नंबर में अरेंज करने के लिए मैंने इन्हें एक पोजीशन दे दी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर वन पे है दीनदयाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, मुजफ्फरनगर, यूपी. एस्टैब्लिशमेंट इसका 2007 का है. एफिलिएशन की बात करें तो इट इज एफिलिएटेड टू एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, AICTE से अप्रूव्ड है, और एडमिशन प्रोसेस को देखें तो ये मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेता है. उसके बाद नंबर टू पे है UPES देहरादून. एस्टैब्लिशमेंट इसका 2003 का है. एक्रेडिशन की बात करें तो इट इज अप्रूव्ड बाय UGC, NAC, AIU एंड BCICB से एक्रेडिशन मिला हुआ है. फीस इसकी 6.26 लाख रुपीस है, और एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. इन केस अगर आपको इसकी फीस ज्यादा लग रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि UPES अपना एक एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराता है, जो बेसिकली होता है जिनको इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए करना है उसके लिए, जिसमें वो लोग अप टू 100% स्कॉलरशिप तक जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं. और इसकी जो डेट है वो है 11 अप्रैल, उस टेस्ट की 11 अप्रैल नहीं तो अप्रैल में ही होगा. तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. नंबर थ्री पे है एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ, यूपी. एस्टैब्लिशमेंट इसकी 2014 की है. एक्रेडिशन को देखें तो इट इज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड UGC. फीस है इसकी 6.44 लाख रुपीस. नंबर फोर्थ पे है दून बिजनेस स्कूल देहरादून, उत्तराखंड. ये एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 2007 में. इसकी फीस 6.3 लाख रुपीस है, और ये सिर्फ इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए प्रोवाइड कराता है, इसमें अकेले बीबीए अवेलेबल नहीं है. नंबर फिफ्थ पे है श्री राम मुक्ति स्मारक इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, लखनऊ में है ये. एस्टैब्लिशमेंट है इसका 2011 का. ये जो कॉलेज है ये एक्रेडिटेड है AICTE से, और इसकी फीस आपको पड़ेगी 4.5 लाख रुपीस, और इसमें भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू. नंबर सिक्स पे है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, MP. ये एस्टैब्लिश है 1964 का, और ये एक्रेडिशन की बात करें अगर तो ये एक्रेडिटेड है NAC से और UGC से अप्रूव्ड है. एडमिशन प्रोसेस को देखें तो इसके एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको MP ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा, उसकी सारी काउंसलिंग में अपियर होना पड़ेगा. और अगर हम कोर्स की बात करें तो ये भी इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए प्रोवाइड कराता है, अकेले बीबीए इसमें अवेलेबल नहीं है. और फीस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है उसको देखें तो ये है 53,000 रुपीज पर एनम. फिर से बताना चाहूंगी 53,000 रुपीज ईयरली, हर साल को आपको 53,000 रुपीज देने पड़ेंगे 5 ईयर्स तक, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है. नंबर सेवेंथ पे है जागरण लेक यूनिवर्सिटी या जागरण लेक सिटी, ये भोपाल में है, MP. एस्टैब्लिशमेंट इसकी 2013 की है. एक्रेडिशन की बात करें तो इसे UGC, AICTE और NCTE से भी एक्रेडिशन मिला हुआ है. एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और इसकी फीस है अराउंड 2.4 लाख रुपीस. इसके अलावा इसमें एक ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, या तो आप जागरण लेक सिटी के बीबीए को परस्यू कर सकते हैं, या इसमें आपके पास एक ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, आप सनस्टोन से भी बीबीए कर सकते हैं, जो कि आपका लगेगा जागरण लेक सिटी के कैंपस में ही. पर इसमें एक कैच ये है कि सनस्टोन अपनी फैकल्टी लेके आएगा और डिग्री भी आपको सनस्टोन की ही मिलेगी,
ये आपको दो प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है, एक है ग्लोबल इमर्शनल प्रोग्राम जिसकी फीस है 3.90 लाख रुपीज और एक है नॉर्मल बीबीए जिसकी फीस है 2.65 लाख रुपीज और इसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट जो है वो अवेलेबल है, मतलब आप हाफ फीस जो है वो पहले पे कर सकते हैं और हाफ फीस जो है वो प्लेसमेंट के बाद पे कर सकते हैं। बट क्योंकि आपकी जो फीस होगी वो आप क्योंकि प्लेसमेंट के बाद पे कर रहे हैं तो आपकी ओरिजिनल फीस आपको थोड़ी सी फीस जो है वो ज्यादा पे करनी होगी। वो कितनी ज्यादा पे करनी होगी इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऊपर मैंने जितने भी कॉलेज बताया अगर मैंने उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप कर दी हो गलती से तो आप उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इसमें से किसी कॉलेज के लिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज बनाती रहूंगी तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए कैंपस वाले को। थैंक यू।